नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। भारत और चीन के बीच 24 अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से शुक्रवार सुबह हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच 24 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच योग, स्किल डेवलपमेंट, रेलवे, शिक्षा, पर्यटन, अंतरिक्ष और खनन समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों में थिंक टैंक फोरम बनाने पर भी समझौता हुआ है। मोदी ने मुलाकात में वास्तविक नियंत्रण रेखा, स्टेपल वीजा समेत कई विवादास्पद मुद्दों पर भी बात की। हटेंगे केजरीवाल के तस्वीरों वाले विज्ञापन। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चित्रों वाले सभी प्रिंट विज्ञापनों को जल्द ही हटा लेगी और उसकी जगह सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए कोई नया और नवोन्मेषी तरीका तलाशेगी। सरकार की तरफ से यह बयान उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के संदर्भ में आया है जिसमें उसने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के चित्रों को छोड़कर अन्य किसी का चित्र प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी है। चीन की चालबाजी, भारत के नक्शे से हटाया अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के पहले दिन एक ओर जहां उनका भव्य स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर वहीं के एक सरकारी चैनल ने भारत का विवादित नक्शा दिखाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस नक्शे में न तो कश्मीर को दिखाया गया है, न अरुणाचल प्रदेश को। भारत का यह नक्शा बेहद आपत्तिजनक कहा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार ऐसे नक्शों पर भी आपत्ति जताती रही है जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में नहीं दिखाया जाता। इस नक्शे में तो पूरा कश्मीर गायब है और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है।